खुश आमदीद नाजरीन, न्यूज़ टाइम हैदराबाद में आप सभी का खैर मकदम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर आज बतारीख 1 दिसंबर को जोहरा बी दरगाह और अनमोल होटल एरिया में जंक्शन इम्प्रूवमेंट के काम का आगाज हो चुका है, जहां पर GHMC और वक्फ बोर्ड के साथ मिलकर गैर मजाज कब्जों को मुनहदिम किया गया। पेश है न्यूज़ टाइम हैदराबाद से ये खसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ा व अहम तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हबीबे मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर जोराबी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का आज काम शुरू हुआ है, जहां पर बल्दिया और औकाफ बोर्ड दोनों मिलकर जो इंक्रोचमेंट्स है यहाँ पर के रोड बेंडिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट जंक्शन इम्प्रूवमेंट के अंदर जो इंक्रोचर्स हैं उनको निकालने का आज सिलसिला शुरू हुआ है। इंशाल्लाह ये 2-4 दिन के अंदर जो है सो ये जोराबी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम मुकम्मिल होगा, क्योंकि जोराबी की दरगाह से बाबा नगर रक्षापुरम तक जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने 8 साल पहले जो रोड बेंडिंग करवाई थी, उसके बावजूद भी जोराबी की दरगाह के पास आवाम को काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, उस को नज़र में रखते हुए अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने हुकूमत से नुमाइंदगी कर ये जोराबी की दरगाह जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम मंजूर करवाया। और यहाँ पर औकाफ के जायदाद रहने की वजह से औकाफ और बल्दिया को लेते हुए काम करना पड़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा, कुछ लोग इसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं काम को रुकाने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह डिपार्टमेंट अपने तौर पर काम करके इसको इंशाल्लाह मुकम्मिल करेंगे। लोगों का कहना ये है कि जो है वक्फ बोर्ड को ये लोग जो है किराया देते थे, वक्फ बोर्ड जो है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और उनको कोई जगह और कोई इसका मुआवजा नहीं दिया उन्होंने। नहीं, वक्फ बोर्ड को तो GHMC ऑलरेडी इन्फॉर्म करी है, वक्फ बोर्ड उसकी ज़िम्मेदार है और ये वक्फ बोर्ड के किराएदार है और इसके मुतवली भी है। जी हाँ साहब, इनको कोई मुआवजा नहीं मिला या इनको मुआवजा नहीं? जी, वक्फ बोर्ड को मुआवजा देते हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड लैंड है। GHMC जो है तो वक्फ बोर्ड को चेक इशू करिए, उसके बाद जो है सो मुतवली है, निगरानकार है, उन्हों उस किराएदार को किस तरीके से हैंडल करना है वो वक्फ बोर्ड का काम है और मुतवली का काम है, जिम्मेदारी है उसमें। GHMC का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि वो जिसकी जायदाद है उन्हों अपने किराएदार को देखना, अगर वहाँ पर जगह बच रही है तो वो वक्फ बोर्ड का काम है और उनके मुतवली का काम है, हम तो उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो ये किराया बन रहे थे, ये मुतवली को जा रहा था, डायरेक्ट वक्फ बोर्ड को जा रहा। अब हमारी नॉलेज के हिसाब से मुतवली जिम्मेदार है, उन्हें वसूल करना चाहिए किराया। विदाउट इन्फॉर्मेशन ये 4 ईयर से जो है सो बार बार हम GHMC के ऑफिसर्स जाकर वहाँ पर बोल रहे थे। ऑलरेडी 3-1.5 साल पहले सामने अनमोल होटल, उसके बाजू के प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड GHMC की जानिब से तोड़ा गया रोड बेंडिंग की शक्ल में। उसके बाद हुकूमत के बल्दिया ने बजट की कमी रहने की वजह से ये लेट हुआ। अब गवर्नमेंट की तरफ से बल्दिया की तरफ से बजट मंजूर होने के बाद फिर ये डिसमेंटल रोड बेंडिंग का काम स्टार्ट हुआ। टोटल जो है सो वो रिकॉर्ड जो है सो ऑफिसर्स